आप सभी का आज स्वागत है बलराम संदेश के इस 26वें वेबिनार में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम पिछले 3 महीने से एक रबी पर एक श्रृंखला का वेबिनार की सिलसिला श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें कि विभिन्न रबी की फसलों के बारे में, जैविक पद्धति के बारे में, जैविक खेती से संबंधित, नवाचार से संबंधित और जो भी रिसर्च हो रही है उससे संबंधित हम लोग जानकारी के लिए यहाँ पर किसानों के समक्ष ये अपने वेबिनार रखते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर देवेंद्र प्यासी साहब का। ओवर टू यू सर। थैंक यू सौरभ जी। आज के बलराम संदेश द्वारा आयोजित रबी फसलों की श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय, मुख्य वक्ता डायरेक्टर NBAIR बेंगलुरु डॉक्टर एन भक्त वत्सलम साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज बलराम संदेश में जो जानकारियां आपके माध्यम से साझा की जाएंगी वो हमारे किसानों के लिए बहुत उपयोगी होगी और किसान भाई हमारे उसको आत्मसात करके अपनी खेती को कैसे बिना रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किए हुए और अपनी खेती को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पे डिटेल पे चर्चा की जाएगी। मैं अपनी संस्था का परिचय देना चाहूंगा कि बलराम संदेश है क्या और वो कैसे किसानों के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बलराम संदेश की तरफ से मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार प्यासी वैज्ञानिक हूँ, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सागर में संचालित अखिल भारतीय अलसी अनुसंधान परियोजना में, और मेरा काम नई नवीन प्रजातियों का विकास करना और उनको किसानों के पास तक पहुंचाना ही हमारा जो है मुख्य कार्य है। इनवाइट करता हूं डॉक्टर दीपा भगत मैडम को, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं जैव रसायन में NBAIR में बेंगलुरु में, और आप लोगों ने विगत दिनों में उनको सुना था, वो इस की जो है कन्वेनर हैं आज के वेबिनार की। और मैडम जो है, मैं मैडम का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैडम से निवेदन करता हूं कि आज के मुख्य वक्ता हमारे डायरेक्टर साहब का जो है परिचय दें। मैं आप लोग, हाँ, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आप लोग इतना काम कर रहे हैं तो मुझे लगा कि मैं भी आप लोगों को, जो मेरे मतलब निदेशक महोदय हैं उनसे मैं आपको मतलब रूबरू कराऊं कि मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया था मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। हमारे निदेशक महोदय ने कम से कम 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों को स्टूडेंट्स को तो दिया ही है उन्होंने, मतलब 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन किया है फेरोमोन का काम करने के लिए। और निदेशक महोदय बहुत बड़े ज्ञाता है फेरोमोन ट्रैप के लिए, क्योंकि उनको एंटोमोलॉजी मतलब कीड़ों के साथ साथ केमिकल की भी सारी जानकारी है। जैसे मेरा, आपने जब उस दिन उद्बोधन सुना होगा तो मेरा लिमिटेशन था कि मैं सारे इंसेक्ट और कीटों को नहीं पहचान पाती हूँ, मुझे किसी न किसी एंटोमोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे निदेशक महोदय दोनों ही चीजों के में पारंगत हैं और बहुत आसानी से ये आपको सारे सॉल्यूशन बताएंगे। इसी वजह से मुझे लगा कि मैं अपने गुरु को इस माध्यम से लेकर के आऊँ आप लोगों के पास, और मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। आदरणीय निदेशक महोदय से मैं विनती करती हूँ कि अब वो अपना उद्बोधन स्टार्ट करें, शुरू करें। भक्त वसलम सर, आप प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर दीपा भगत, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सौरव दुबे सर और देवेंद्र प्यासी सर और कृषि मित्रों, मेरा हिंदी इतना बड़ा अच्छा नहीं होगा, क्षमा कीजिएगा, लेकिन जैसा मैंने नॉर्थ ईस्ट में था उस समय जो भी सीखा है उसी हिंदी से आप लोग का
समझाने के लिए प्रार्थना करूंगा। तो पहले जो है मेरा टॉपिक है फेरोमोन फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट। फेरोमोन क्या होता है कोई बोल सकते हैं? ठीक है, जैसा आप लोग का मालूम है कीटों का भी एक जिंदगी होता है। वो जिंदगी कैसा शुरू होता है? वो अंडा से शुरू होता है, इसके बाद वो लार्वे बोलते हैं, उसके बाद प्यूपे बोलते हैं, इसके बाद पूर्ति मैच्योर अडल्ट हो जाता है, मौत बोलते हैं। वो मौत जो है वो जैसा हम लोग का विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं, हम लोग किसी के साथ कोई आदमी आने से आमने सामने देखते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन कीटों लोगों का ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उन लोग का आंख जो है इतना अच्छा नहीं है, वो दूर से नहीं देख सकते। लेकिन भगवान ने उन लोगों का और एक वरण दिया है, वो है केमिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जैसा है रासायनिक, वो जो भी रसायन है उससे वो कम्युनिकेट करते हैं, उस दूसरा से जोड़ देते हैं। जैसा है एक मौत ने मेरा बोला था ना, जब भी एक अडल्ट आएगा वो क्या करता है, ये कुछ रसायन को बाहर छोड़ देते हैं। वो रसायन जो है वो जैसा उसका मेल का जो भी दूर में है वो मेल है उसका वो स्मेल पकड़ के वो वहां से यहाँ पहुंच जाता है, इसके बाद उन लोग का शादी हो जाता है, इसके बाद बच्चे अंडा देते हैं, बच्चे मर जाते हैं, जैसा हम लोग का जैसा है उनका भी जिंदगी है। इसमें वो जो रसायन जो है उसको हम लोग फेरोमोन बोलते हैं। वो कितना होगा मैंने लगा, देखिए कितना जीरो लगाया हूं, इतना ही होगा, नैनोग्राम्स में होता है, लेकिन इसका इतना पावर जो है जो मेल बोलते हैं ना उसका 2 किलोमीटर का दूर होने से भी वो यहाँ पहुंच जाता है, जो फीमेल है ना वो फीमेल को मिलने के लिए पहुंच जाता है, इतना पावरफुल केमिकल है। इसको कभी कभी उसको और दूसरी तरीका भी एक रसायन होता है उसको बोलते हैं एग्रीगेशन फेरोमोन। वो जो है मेल जो है ना वो पुरुष ये कुछ रसायन आता है वो दोनों को मिला देता है, दोनों में एक एक जगह पर पहुंच जाते हैं, इसको एग्रीगेशन फेरोमोन बोलते हैं। सो और भी बहुत तरीका है फेरोमोन्स का है, लेकिन उसका बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, इसलिए उसको कृषि में इस्तेमाल नहीं होते हैं। सो दो फेरोमोन्स जो है, एक तो सेक्स फेरोमोन और दूसरा था एग्रीगेशन फेरोमोन, ये दोनों अभी फिर फील्ड में संभाल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये फेरोमोन का कैसे कैसे यूज करते थे, इसको पहले बोलते हैं मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब जब वो कीड़ा हम लोग का खेती में पकड़ जाता है, जब शुरू होता है उस समय पकड़ने से पहले वो पुरुष आ जाता है, पुरुष मात जो है वो पहले आ जाता है। वो कब आता है, कब जाता है, कब जब आता है उसको पकड़ने के लिए फेरोमोन्स को इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे इस्तेमाल करते हैं बाद में मैं बोलूंगा, इसको हम लोग मॉनिटरिंग बोलेंगे। मॉनिटरिंग का क्या मतलब, आपको 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 खेती में कीड़े देखने से पहले ही आपको उसमें वो ट्रैप में आ जाता है, जब ट्रैप में पकड़ जाता है आप तो आपको आप ऐसा सोचिए आपका एक हफ्ता के अंदर में वो जो भी कीटा है वो आना वाला है। सो इसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटरिंग बोलते हैं। और दूसरी तरीका जो है उसमें क्या करते हैं, वो फेरोमोन्स को ज्यादा लगाते हैं, जब वो हम लोग ज्यादा लगाते हैं इसमें से बहुत ही पुरुष कीटा पकड़ जाता है, जब बहुत पुरुष को पकड़ जाते हैं वो लेडीज और फीमेल मात जो है
उसको मेटिंग नहीं कर सकते हैं, उसका मतलब शादी नहीं होगा। जब शादी नहीं होता है तब तो अंडा नहीं देना, इसको हम लोग बोलते हैं मास ट्रैपिंग बोलते हैं। तो और दूसरा भी एक तरीका है, ये अभी नया निकल रहा है, इसको बोलते हैं मेटिंग डिस्टर्बेशन। इसमें क्या है, जैसा मैंने मास ट्रैपिंग में बोला, मास ट्रैपिंग में हम लोग ये ट्रैप करके उसको पकड़ देते हैं, ये पुरुष का जो भी आएगा पकड़ देते हैं। लेकिन ये मेटिंग डिस्टर्बेशन में नहीं पकड़ेंगे, इसका जहां भी है वो फिरोमोन को बहुत लगा देंगे। तो इसी वजह से क्या है, वो पुरुष कीटा जो है वह कहीं भी जाएगा उसका ये फिरोमोन का स्मेल ही आएगा जहां देखने से भी, इसीलिए उसका क्या हो जाता है, वो फीमेल के पकड़ने के लिए नहीं होगा, इसीलिए वहां मेटिंग नहीं होता है, उसका मतलब वो अंडा नहीं देता। तो दूसरा जो है लूर एंड किल बोलते हैं, इसको हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में बोलेंगे क्योंकि वो अभी तक ज्यादा तरीका से यूज नहीं होता है हम लोग का इंडिया का कृषि में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जैसा हम लोग यूज करते हैं, जैसा मैंने बोला था हेलिकोवर्पा आर्मीचेरा, आपको सभी लोग का कीटा का बाद में आप लोग को मालूम होगा, ये 10 से 20% और कभी कभी 40% का डैमेज भी करते हैं, और सबका फसल में आपका कीटा मिलेगा। ये जैसा मैं अभी दिखा रहा हूँ हेलिकोवर्पा आर्मीचेरा, इसको ये एक्चुअली वो उसमें आता है, जैसा पहले कार्टन में आता था, अभी कार्टन में ज्यादा नहीं है क्योंकि वो बॉल गार्ड आने के बाद वो खत्म हो गया, ट्रांसजेनिक कार्टन जो बोलते हैं वो आने के बाद कमी हो गया। लेकिन अभी जो है वो आपका अरहर में आता है और चिकपी में आता है, वो चना में आता है, ऐसा अरहर में आता है, ऐसा बहुत प्लांट में आता है, बहुत फसला में आता है। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका भी एक फेरोमोन बहुत पहले से उसको टेक्निक से हम लोग जान पहचान कर लिया। जैसा मैंने बोला था कीटा मकटा बहुत ही डैमेज करते हैं हम लोग का, 10 से 40% तक करते हैं कभी कभी। हम लोग का इंडिया में वीड्स जो बोलते हैं उसको बहुत ही नुकसान बोलता है हम लोग का 40%, लेकिन नेक्स्ट तो है 27% इंसेक्ट है। लेकिन आप अगर आप पेस्टिसाइड का यूज को देखने से 40% इंसेक्टिसाइड में जाता है और वीडिसाइड बहुत कम में 27% जाता है। तो अगर आप लोग फील्ड में जाने से ऐसा है बहुत ही दिखाएंगे आपको, इसको आप लोग सोचेंगे क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं फेरोमोन ट्रैप। इसमें बहुत तरीका है, बाद में मैं बोलूंगा। जैसा मैंने इस पहले ही बोल दिया था इसका फेरोमोन का बारे में, तो जो भी फेरोमोन हम लोग पकड़ लेंगे ना उसको क्या क्या वैज्ञानिक रिव्यू से उसको क्या है वो वगैरह हम लोग रिसर्च करके बोलते हैं, उसको फेरोमोन को अगर आप बाहर निकल रखते हैं तो 10 मिनट में सब चला जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी खेती में लगाना है तब हम लोग इसको ऐसा वाला डिस्पर्सर्स को यूज करते हैं। जैसा आप मैंने उसको आपको वो स्लीव का दिखाया था ना, स्लीव ट्रैप, इसका अंदर में आप देखने से ऐसा एक रबर होगा, ये भी एक प्लास्टिक है, ये एक प्लास्टिक रोप है, इसके ये क्या बोलते हैं इसको डिस्पेंसर्स बोलते हैं। क्यों उसके लगाता है ना, जब आपको मैंने जैसा बोला है फेरोमोन को बगैर रखने से 10 मिनट में सब चला जाएगा, वोलेटाइल बोलते हैं ना इसका, जैसा अल्कोहल आप रखने से चला जाता है ऐसे चला जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वो जो भी ये फेरोमोन है इसमें डाल देते हैं, इसका बहुत तरीका है। उसमें डालने से क्या फायदा है, आपको इसको आपको 6 महीने तक रख सकते हैं या तो 1 वर्ष तक रख सकते हैं, 1 साल तक रख सकते हैं आपका फ्रिज में, अगर आप फील्ड में रखने से वो भी 40 दिन और 50 डेज 50 दिन तक 30 दिन से जैसा भी है उसको आप रख सकते हैं। जो इसको हम लोग बोलते हैं सिप्टा, ये बहुत रबर से बनता है, उसको रबर सिप्टा बोलते हैं, ये इसको वायल्स बोलते हैं। जैसे जैसा इसमें आपको 1 मिलीग्राम और 2 मिलीग्राम तक डाल सकते हैं, जब ज्यादा हो जाता है हम लोग ऐसा वाला वायल्स में डालते हैं। ये भी एक नया तरीका है अभी। सर
ये डिस्पेंसर बोलते हैं, जैसा मैंने बोला था इसको रबर सेप्टा बोलते हैं। इसमें आप अगर आपको मैं फिरोमोन का कम केमिकल जो भी है रसायन उसको 3 mg तक है उसको डाल सकते हैं। अगर आप खेती में रखने से भी आपको कम से कम 40 दिन तक रहेगा, और कम कम कोई कोई तो 6 महीने तक भी रहेगा। आपको स्टोर्स में जैसा वो रिटेलर शॉप में है उसमें भी 3 साल महीना तक रहेगा, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको हम लोग वायल्स बोलते हैं। इसमें जो भी आपका बहुत ही कंपाउंड मिलना है, जैसा कुछ कोई कोई कीटा के लिए हम लोग 75 मिलीग्राम तक यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं, उसको वायल्स बोलते हैं। और कोई कोई है अभी नया जो आ रहा है इसको बोलते हैं पीबी रोप आप लोग का, और 1 और 2 साल का अंदर में आपको मार्केट में आ जाएगा ये। इसको पीबी रोप बोलते हैं। इसमें बहुत ही मेटीरियल्स है, ये मेटिंग डिस्ट्रप्शन के लिए यूज करते हैं। ये जैसा आप लोग देख रहे हैं ना, ऐसा एक पेस्ट जैसा है, इसको एक नया फॉर्मुलेशन आता है, इसको स्प्लैट फॉर्मुलेशन बोलते हैं। इसका हम लोग मेटिंग डिस्ट्रप्शन में यूज करते हैं। वो भी अभी एक कंपनी है ATGC, उन लोग ने इसको पेटेंट किया है, अभी वो मार्केट में आने वाला है, शायद इस साल और नेक्स्ट ईयर के अंदर में वो आ जाएगा मार्केट। तो और जैसा भी है और बहुत ही बड़े ट्रैप्स है। तो जैसा हम लोग का कीटा है इसको डिपेंड करके हम लोग ट्रैप लगाते हैं। जैसा बड़ा इंसेक्ट है जो भी है मॉथ्स जैसा है, उसके लिए स्लीव ट्रैप यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका अंदर में हम लोग जो भी मैं दिखाया था डिस्पेंसर उसको लगा देंगे और उसको एक डंडे के साथ बांध लेंगे। तो जो भी कीटा कीटा इससे आएगा तो यहाँ अंदर जाएगा, लेकिन बाद में बाहर नहीं आ सकता है। इसको हम लोग मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं। इसको हम लोग डेल्टा ट्रैप बोलते हैं। ये शायद ये सिंपल स्टिकी ट्रैप है, आप देख सकते हैं इसका अंदर में एक सेप्टा भी है। तो ये छोटा वगैरह छोटा फ्रूट फ्लाइज वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसमें आसानी से पकड़ जाता है, लेकिन इसका कभी कभी बारिश आने से भी कुछ नुकसान नहीं आएगा, क्योंकि वो सेप्टा अंदर में होगा। तो इसका हम लोग बड़े इंसेक्ट के लिए यूज करते हैं, जैसा ये दिखा जाएगा आपको। इसको रेड पामी वील बोलते हैं, रिंकोपरस फेरुजिनस बोलते हैं। ये कोकोनट में बहुत बड़ा नुकसान देता है, उसको पकड़ने के लिए ये बकेट ट्रैप यूज करते हैं। इसमें हम लोग ये फेरोमोन अंदर रख देंगे, वो जो भी आएगा उसमें पकड़ जाएगा, अंदर चला जाएगा, लेकिन बास में बाहर नहीं आ सकता है। जैसे इसको बोलते हैं स्टिकी ट्रैप बोलते हैं। इसमें हम लोग छोटा एक हॉपर जैसा जो भी है उसको हम लोग पकड़ सकते हैं। तो ये और दूसरा डिस्पेंसर वगैरह है, जैसा ये आइसोमेट, ये इसमें एक आपका रोप जैसा दिखा जाता है, ये रोप जैसा दिखा जाता है, इसमें फेरोमोन है। तो बहुत तरीका है, ये सबको हम लोग रिसर्च करके निकलते हैं। जो जो जैसा हम लोग यूज करना है, जैसा हम लोग दूसरा दूसरा तरीका से डिस्पेंसर से यूज करते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी बोल दिया है, इसको मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं, मास ट्रैपिंग के लिए यूज करते हैं, और मेटिंग रिसेप्शन के लिए यूज करते हैं। जैसा ऐसा बोला था पेकिलको और पारमिजरा बोलते हैं। ये पहले काटन में बहुत सीरियस पेस्ट था, लेकिन बाद में जब हम लोग ट्रांजेनिक काटन आया, इससे इसी का वजह से बहुत ही कम हो गया काटन में। लेकिन अभी भी अरहर में है, चना में है, और टमाटर में है, ये बहुत आता है इसको। इसका जैसा आपको बहुत ही केमिकल्स वगैरह मिलता है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसका कैसा इस्तेमाल करते हैं। वो फेरोमोन ट्रैप जो से भी है, जैसा मैंने बोला था स्लीव ट्रैप, उसी को ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका कैसा होगा, और 1 एकड़ 2 एकड़ बस इतना ही। जब आप फसल फसल सोइंग करेंगे या सीडिंग करेंगे, उस समय उसको लगाते हैं, जिस टाइम आपको उसमें कुछ पुरुष पकड़ जाता है, आपको पता चल जाता है वो अभी एक्टिव है, अभी फीमेल अंडा देने के लिए तैयार है, वो अंडा दे सकती है। इसलिए हम लोग इसको मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं। कभी कभी मास ट्रैपिंग के लिए भी यूज कर रहता है, लेकिन इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए क्या है, उसको आप 1 और 2 यूज कीजिए, इसके बाद मत यूज कीजिए। ये जस्ट आपको जब जिस टाइम आपको ये कीटा उसमें आएगा, खेती में आएगा, जब वो पता चल जाता है आपको, तो आपका ट्राइकोग्रामा और जैसा
पैरासाइट्स है उसको रिलीज करते हैं, या आपको इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मेटिंग डिस्ट्रप्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका बहुत ही होस्ट है। जैसा मैंने बोला था, अरहर में आएगा, चना में आएगा, टमाटर में आएगा, सभी में आएगा, इसलिए इसको मेटिंग डिस्ट्रप्शन करने में बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हम लोग इसको मॉनिटर के लिए यूज करते हैं। ये तो आप लोग देखे होंगे, लूसिनोडस आर्बिनोलस बोलते हैं, ये एक प्लांट और ओ, 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 क्या बोलते हैं, ब्रिंजाल, ब्रिंजाल बोलते हैं ना, इसके ऊपर में आता है। जैसे आपको देखा दिखा जाता है, ये बहुत ही डैमेज करता है। और इसके क्या बोलते हैं, इसका फेरोमोन हम लोग सेप्टा में आता है, तो इसको भी हम लोग मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं। इसको एक दो रखने से पर एकड़ के लिए हो जाएगा, मॉनिटरिंग हो जाता है। और मेटिंग डिस्ट्रप्शन के लिए अभी अभी नया टेक्निक आ जाता है इसके लिए। जैसा मैंने बोला था, एक फ्लैट बोला था ना, जैसा एक पेस्ट जैसा होगा, ये अभी अभी आ रहा है अब, और मे बी एक साल और दो साल के अंदर में आपको मार्केट में पहुंच जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, जब भी आप फेगन लगाते हैं उसी समय आपका ये ट्रैप भी लगाना पड़ेगा। इसमें आपको ट्रैप में कुछ नहीं आएगा, एक छोटा सा डंडा लेके उसमें आप लगा दीजिए, इसमें एक जरा सा पेस्ट लगा दीजिए। एक पेस्ट उसका 500 ग्राम्स का पेस्ट आएगा, उसमें एक्चुअली 8 ग्राम्स ही मटेरियल होगा, और 500 ग्राम्स आपको 400 स्पॉट में लगाना चाहिए बस। ये कम से कम एक महीना तक रहेगा, उसके बाद और एक बार लगा दीजिए। जैसा आपको दो तीन बार लगाना पड़ेगा इसमें, तो इसमें क्या होगा, जैसा मैंने बोला था मेटिंग डिस्ट्रप्शन क्या हो जाता है, ये स्मेल जो है वो फेरोमोन स्मेल ही आ जाता है। तो जब स्मेल को देखे वो पुरुष आ जाता है, लेकिन जहां भी देखेगा वो इतना ही स्मेल आएगा, एकदम बहुत ही स्मेल आ जाने से उसका मेटिंग नहीं होगा। मेटिंग का मतलब शादी नहीं होगा, शादी नहीं होने से क्या होगा, बच्चा नहीं होगा, बस ऐसे ही हम लोग मैनेज कर रहे हैं। सो ये आपको अभी मे बी एक साल का अंदर में आपको मार्केट में मिलेगा। इसका हम लोग 400 जगह पर आपको लगाना है बस। लेकिन हम लोग शुरू करते हैं जब से, जैसे हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं उसमें लगाना चाहिए, तो एक हफ्ता का अंदर में लगाना चाहिए बस। जब लगा देते हैं उसको बहुत ही इफेक्ट हो जाता है इसका आपको। जैसा आप लोग बहुत ही ब्रिंजाल में स्प्रे करते हैं, 3 साल का एक बार, 3 दिन का एक बार आपको स्प्रे करना पड़ेगा। जैसा आपने इसको संभाल किया, आपका 2-3 स्प्रे करने से भी, रासायनिक स्प्रे करने से भी आपका काफी हो जाता है, क्योंकि डैमेज बहुत बहुत ही कमी हो जाता है। ये हम लोग का एक्सपीरियंस से निकला है, ये अभी थोड़ी मे बी 1 साल का 2 साल का अंदर में मार्केट में पहुंच जाएगा। तो ये तो हम लोग का अभी काटन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको पेक्टिनोपोरा गोसिपियला बोलते हैं, पिंक बोलवर्म बोलते हैं वो, कि ये भी ऐसे ही है। हम लोग इसके लिए मैंने वो एक तार निकाला था ना, पीबी रोप बोला था मैंने, एक पीबी रोप बोला था ना, ये इसके लिए बनाया है। ये जापान का कंपनी से आया है, ये स्प्लाट जो भी है हम लोग, मैं दिखाया था आपको एक पेस्ट जैसा, वो भी है। ये दोनों हम लोग यूज कर रहे हैं इसको, बहुत ही ऐसा भी, इसका भी 400 जगह में आपको लगाना पड़ेगा। तो जब आप देखते हैं ना, बहुत ही इफेक्ट होगा आपका, स्प्रे करने का जरूरत ही नहीं हो सकता है। अगर होगा तो मैक्सिमम 2 स्प्रे लेगा बस, आपका दिन दिन का एक बार स्प्रे करने का जरूरत ही नहीं है। ये हम लोग कर्नाटक में दिखा दिया, महाराष्ट्र में दिखा दिया है, अभी ये स्प्लैट फॉर्मुलेशन मार्केट में आ रहा है, जो बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा 6 महीने के अंदर, और इस साल मोस्ट प्रॉब्ली आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाता है। ये इसको बोलते हैं स्पोडोप्टेरा फर्जीपोडा, ये फॉल आर्मवर्म बोलते हैं, ये मक्खे में आ जाता है, अभी नया है, 2018 में पहुंचा था, इससे पहले नहीं था हम लोग का पास। 2018 में वो जब भी आएगा, मैं इसमें कर्नाटका में आया है, इसके बाद वो धीरे 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 ऊपर चला गया, अभी जम्मू कश्मीर को छोड़ के सब जगह में है। तो वही दो राज्य छूटा है, जम्मू कश्मीर, उसको छोड़ के सब जगह में है।
जहां भी वो पहले साल चला जाता है वो बहुत ही नुकसान पहुंचाता है आपको, डैमेज बहुत हो जाता है वो 80% जो है। तो बट धीरे 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 वो कम भी हो जाता है। तो इसके लिए फेरोमोन हम लोग ने किया है इसका फेरोमोन। तो इसका हम लोग दो दो तरीका से बनाते हैं, एक तो सेप्टा हो जाता है और दो जैसा दीपा मैडम ने बोला है उसको एक नैनो मटेरियल भी हम लोग बनाया है। तो इसका ट्रिप स्लीव ट्रैप में लगाते हैं। सो अगर आपको मॉनिटरिंग करना है एक और दो लगाइए बस हो जाएगा, और आपको मास ट्रैपिंग करना है तो 15 लगाइए, 15 ट्रैप एकर के लिए लगा दीजिए। जैसा मैंने बोला था जिस दिन आप सोई करेंगे बीज लगाएंगे
कंपनीज है वो लोग अभी भी फेरोमोन्स का कमर्शियलिस्ट बन रहे हैं, तो आपको अगर जरूरत है आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको एड्रेस देता हूँ क्या चाहिए उसका भी मिल जाता है आपको। जैसा मैंने बोला था एक प्लेटफॉर्मुलेशन जो भी है वो इन भारत से आता है, वो अभी एक साल के अंदर में वो मार्केट में आ जाएगा। वो ये सब तो अमीर लोग कहती है, अमीर लोग के बनाए हैं, जो बहुत अच्छा से मार्केट है वो आ जाएगा, अभी का प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मैंने बोला था वो यहाँ साउथ में मैंगो फ्रूट फ्लाई का कम से कम तो 10-15% तक कृषि लोग है वो करते हैं, संभाल करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। संजय मेहता जी हैं, अपना परिचय देते हुए सर से ब्रीफ क्वेश्चन पूछें। नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं संजय मेहता हिसार हरियाणा से। बोलिए सर। मैं सिट्रस की फार्मिंग करता हूं और कुछ थाइएप्पल बेर भी लगाया हुआ है। फ्रूट फ्लाई का बहुत अटैक रहता है सर, जैसे अभी आपने बताया था कि पूरा फील्ड या पूरा गांव ट्रैप यूज की है, तो ऐसा जब पॉसिबल नहीं होता किस किस को कन्विंस किया जाए, तो क्या हमें अपने फील्ड में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि दूर तक की फ्रूट फ्लाई अट्रैक्ट होके आ जाती है? इसके लिए हम लोग इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट बोलते हैं, लेकिन पहले आप जो है वो पुराना सीजन का जो भी इन्फेस्टेड फ्रूट है उसको आप लोग कैसा डिस्पोज करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। जैसा सभी लोग ऐसा जैसे ऐसा छोड़ देते हैं, ऐसा छोड़ने से आपको अगेन एंड अगेन आता रहता है। इसका क्या करना है, आपको कम से कम 2-2 फीट और 3 फीट का एक ट्रेंच बना के इसका अंदर में डाल के आपको उसको माटी से खत्म करना चाहिए, तभी तो वो बाद में नहीं आएगा। और दूसरा जो है आपको सिट्रस का आप बात कर रहे हैं ना, जैसा मैंने हम लोग कूर्ग, आप लोग आए होंगे, मडिकेरी बोलते हैं, कूर्ग बोलते हैं, बहुत अच्छा टूरिस्ट शहर है। इसमें भी वो लोग ऑरेंज बहुत अच्छा अच्छा मीठा ऑरेंज आता है, उसको कूर्ग ऑरेंज ही बोलते हैं, कूर्ग मैंडरिन बोलते हैं, लेकिन वो लोग बाहर नहीं निकलते, बाहर नहीं फेंक देते हैं, वो अपना आप लोकल कंसम्पशन के लिए होता है। ये उसमें भी यही प्रॉब्लम था, एक फार्मर आया था उसका बोल रहा था एक 10 साल से एक भी फूल फल नहीं खाया हो, तो इसीलिए बाद में मैंने उसको ये फेरोमोन 5 साल पहले दिया था। अब भी वो हमेशा मुझे नहीं छोड़ता है क्योंकि वो फ्रूट ड्रॉप जो होते हैं वो बहुत ही फ्रूट फ्लाई के वजह से होते हैं, तो इसीलिए आपको आपका अपना फील्ड में लगाने से भी आपको कुछ असर दिखाएगा, लेकिन विलेज लेवल में करने से आपको बहुत ही अच्छा असर दिखाया। इसलिए ऐसे ही मैं इम्प्रेस करना चाहता हूँ आपको, क्योंकि अगर आप लगाने से आपको जरा कमी होगा, लेकिन पूरा विलेज में आप करने से आपका असर बहुत दिखा जाएगा, इसलिए हम लोग विलेज लेवल बोलते हैं। और इसका बात है आपका इस साल आपका 15% इन्फेस्टेशन है, जैसा आप कंटिन्यूस आप संभाल करते हैं, 4 साल आप संभाल करने से आपका एक 5 साल के बाद आप अपना आप देखेंगे इनका इन्फेस्टेशन बहुत ही कम हो जाता है। सर यूना जी, हम लोग तो अपने फील्ड में कर लेते हैं, पास के फार्मर जो हैं वो रासायनिक खेती करते हैं, जो डैमेज फ्रूट होता है उसको खुले में छोड़ देते हैं। उनको दबाते नहीं। अब जैसे मेरे यहाँ तो मैंने गड्ढा करा के उसमें डैमेज फ्रूट डाल के ऊपर हम कंपोस्ट डाल देते हैं और वो सर के मैन्योर बन जाएगी उसी की। सर इसीलिए आप उनको समझाइए, आप लोग आस पास में एक ग्रुप होगा उसमें आप समझाइए। सर 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 हमारे यहाँ के किसान प्रधानमंत्री जी से नहीं मान रहे हैं, एक किसान से कहाँ मान रहे हैं। नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे हम लोग केवीके का हेल्प ले रहे हैं, आ जाता है, स्लोली आ जाता है, ऐसा तो एक नहीं है, किसान लोग तो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। मैं उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूंगा कि चैट बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसको आप भर दें, तो उससे हमें सुझाव भी मिलते हैं और प्रेरणा भी मिलती है किस विषय पे आप अगला वेबिनार चाहते हैं। एक छोटी सी सूचनार्थ मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा था, अब मैं भूमि जैविक से कहूंगा कि अनम्यूट करें, फिर हम चैट बॉक्स के प्रश्न भी लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हैंड्रेस किया हुआ है भूमि जैविक, आप अपना माइक अनम्यूट करें।
जी अपना थोड़ा ब्रीफ इंट्रो दे दीजिए। हाँ जी हाँ जी नमस्ते डॉक्टर साहब, पवन बात कर रहा हूँ मैं कोटा से। नमस्ते सर, नमस्ते, बोलिए जी। डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन ये था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारा सेंटर और प्योर 100% ऑर्गेनिक पे काम कर रहा है। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि एक प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी आई सामने, रेड पंपकिन बीटल। रेड पंपकिन बीटल के लिए ऑलरेडी हमने लेकिन इसका कोई फेरोमोन ट्रैप और इसके ऊपर कोई भी इस तरह का जो जैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इस तरह की कोई आई नहीं है जिस पर हम कुछ काम कर सकते। सर ये पंपकिन बीट रैपिडो फिल्पा बोलते हैं ना उसके लिए फोविकोलिस जो है रेड वाला। हाँ जी, उसके लिए हम लोग सोच रहे थे क्योंकि ऐसा एक किसान भी यहाँ हम लोग से बात किया था। इसके लिए कुकरबिटेशन ये कंपाउंड है, इसको अच्छा से काम करता है लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है। हम लोग इसको खरीदने के लिए सोच रहे थे और उसको सिंथेसिस के लिए ट्राई कर रहे थे, उसको बीच में कोविड आ गया सो इसलिए वो कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली है लेकिन हम लोग देख रहे हैं। तो कुकरबिटेशन ये कंपाउंड है वो काम करता है, उसका ये फेरोमोन नहीं है, पैराफेरोमोन बोलते हैं या तो प्लांट वोलेटाइल बोलते हैं, वो काम करेगा लेकिन अभी मार्केट में नहीं है क्योंकि वो कुकरबिटेशन बहुत कॉस्टली है। देख रहे हैं सर, हम लोग भी ऐसा शुरू करते हैं जैसा आपने बोला है, वो अच्छा आइडिया दिया है, देखते हैं सर। लेकिन आज तक कुछ नहीं है, आज तक। राइट, थैंक यू सर। जो किसान, एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा, कुछ किसान जो दोबारा से इस वेबिनार को देखना चाहते हैं तो 3 या 4 दिन के अंदर ये हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं शिव सर को चाहूंगा, हमारी टीम से हैं शिव सर और हमारे डॉक्टर शुभम जी, प्लीज चैट बॉक्स से कुछ प्रश्न ले लीजिए। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, राम जसु सोमनाथ गुजरात से हैं, तो इनका सवाल है कि इनको बाजार में की बड़ी समस्या होती है, तो सर कुछ सप्लाई कहाँ से मिल सकती है जिससे किसानों को आसानी हो जाए इन्हें इस्तेमाल करने के लिए? फेरोमोन वाला? हाँ जी हाँ जी, हाँ, फेरोमोन वाला। मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ कि कौन सा कीटा जो कौन सा है और क्रॉप जो सा है कौन सा है आप बोलने से मैं उनको बोल देता हूँ। मेरा ईमेल आईडी दे दीजिए, वो बहुत ही अच्छा वाला कंपनी से, फेरोमोन केमिकल से एक हैदराबाद में, बहुत कंपनी से। ये कुछ कंपनी के नाम बता दीजिए सर, क्योंकि इन्होंने बस खाली यही पूछा है कि किसी फेरोमोन केमिकल्स, फेरोमोन केमिकल्स हैदराबाद है। ठीक है सर, वो और ATGC हैदराबाद है और PCI उनका इतना अच्छा नहीं है अभी, आजकल बहुत अच्छा नहीं है, पहले अच्छा था, अभी कुछ प्रॉब्लम है। और भी एक दो तीन कंपनी है, मैं आपको दे देता हूँ वो स्फूर्ति वगैरह एड्रेस वगैरह मैं आपको दे देता हूँ, आप उनसे शेयर कर सकते हैं। प्रदीप ठाकर जी हैं, इनका सवाल है कि कीटों की पहचान के लिए कोई नया तरीका या कोई ऐप ऐसा डेवलप है सर जिससे हम कीटों की पहचान कर सके कि फसल पे कौन सा कीट लगा है उसे आइडेंटिफिकेशन के लिए? सर जैसा हम लोग कृषि अनुसंधान, आपको मालूम है आपको दो तरीका से होता है, एक तो जैसा हम लोग इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर और भारतीय कृषि अनुसंधान भवन बोलते हैं उनसे होता है, और दूसरा तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो लोग करते हैं, जैसा आपको जो भी किटा है जो भी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बोलते हैं वो उन लोगों का मदद से आता है, तो वो लोग पूर्ति बैठ के करते हैं। जैसा वो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जब देते हैं वो उनको ये भी देते हैं कैसा कैसा उसको आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए भी वो लोग किताब वगैरह लिखते हैं। हम लोग का भी एक ऐप है, हम लोग एक ऐप भी निकले हैं, आपको जैसा आपका गन्ना का और राइस का और नारियल का पेस्ट जो भी है आपको पता चल जाना है तो उसमें है एक ऐप, हम लोग भी निकले हैं, अभी भी एक फॉल आर्मीवर्म का एक ऐप निकल रहे हैं, तो ऐप वगैरह भी मिलता है। लेकिन गूगल का भी
गूगल फोटो से अभी गूगल आइडेंटिफिकेशन कुछ है उसमें भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उतना अच्छा से नहीं मिलेगा। लेकिन सबका आपका वेबसाइट में, सभी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में जैसा आपका क्या फसल आप ले रहे हैं उसका बारे में क्या क्या कीटा आता है, क्या क्या रोग आता है, वो सबका आपको सब इंफॉर्मेशन मिलता है। अगर नहीं मिलेगा तो आप एक फोटो हम लोग का व्हाट्सएप में भेज दीजिए, हम लोग देखेंगे, बोल देते हैं। ठीक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय भगवान जी हैं हरियाणा से, चरखी दादरी से, ये पूछ रहे हैं कि यदि फेरोमोन को सुरक्षित कैसे रखें। फेरोमोन बहुत ही सुरक्षित है, अगर आप चॉकलेट सोच की नहीं खाएंगे तो बहुत ही सुरक्षित है। बस जैसा आपको ये तो सबका होता है, जैसा आपका घर में क्रोसिन रखे हैं, ये क्रोसिन खाने से कुछ नहीं होगा, और 10 कर एक ही बार करने से आपको वो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जैसा फेरोमोन तो बहुत सुरक्षित है, क्योंकि हम लोग जो भी उसको केमिकल डालते हैं तो 3 मिलीग्राम में कुछ भी नहीं, आपको स्मेल भी दिखाई नहीं जाएगा, वो इंसेक्ट के आपको स्मेल वो पता चल जाएगा, आपका कुछ स्मेल दिखाई नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा अकस्मात आप खा लिया तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जैसा हम लोग जैसे बोलते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अदरवाइज आपका आप स्प्रे करते हैं या तो जैसा मैंने बोला था स्प्लैट वगैरह आप देते हैं तो कुछ नहीं होगा, आप लोग का कुछ इफेक्ट ही नहीं होता है, इसीलिए वो रजिस्ट्रेशन में नहीं आता है। जैसा हम लोग बोलते हैं सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड रजिस्ट्रेशन कमिटी CABRC बोलते हैं, इसका अंदर में नहीं आता है। जब मेटिंग डिस्ट्रप्शन के लिए आप यूज करते हैं उसमें आता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसका अलावा आपको रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही पॉइजनलेस है। डॉक्टर साहब, यदि इसको घर में अगर सुरक्षित रखना हो मतलब उसे स्टोर कैसे कर सकते हैं? नहीं, मतलब आपका वो सैचेट में आएगा, आपका एल्युमिनियम सैचेट में आएगा, आप जैसा मैंने बोला था ना, आप जहां भी आप लेंगे सैचेट में आएगा, आप फ्रिज में रख सकते हैं, कुछ नहीं होगा आपको, आप घर भी रख सकते हैं, लेकिन जहां रखिए जहां बच्चों के लिए हाथ नहीं पकड़े, वो ऐसा है एक्सीडेंटली आपको कुछ खाने से तो प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज आपका कुछ आपका स्मेल भी नहीं आएगा, आपका एलर्जी भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका स्मेल नहीं पकड़ेगा, वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट हम लोग देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। नेक्स्ट सवाल है योगेश कौरव जी का, नींबू में जो कैटरपिलर लगता है उसके लिए कौन सा ट्रैप सही कर रहेगा सर? नींबू में हम लोग ट्रैप उसका अंदर में जो होता है वही बोरर जो सा है, और लेमन पेपलियो का हम लोग नहीं किया है, लेकिन उसका है फेरोमोन है, हम लोग उसको सिट्रस शिला का भी डॉक्टर साहब है, सिट्रस शिला के लिए नहीं। सागर पाटीदार जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि फेरोमोन ट्रैप को क्या घर पर बनाया सकता है? अगर आपके पास प्लास्टिक मोल्ड होने से तो बन सकता है, जैसा मैंने स्लीव ट्रैप वगैरह बोला था ऐसा ही है, और स्टिकी ट्रैप आप आसानी से बन सकते हैं, उसके लिए कुछ गंपी बगर में मिलता है, एक व्हाइट पेपर लगा के उसको लगा के, लेकिन आप सेप्टा तो आपको बगर से लेके आना पड़ेगा, तो आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि केमिकल्स आता है ना, वो आप यूज नहीं कर सकते हैं, इसका कुछ नियम है। जी सर, ये सवाल थे कि क्या मिथाइल योजनाल बाहर से परचेज करके और फिर उसके थ्रू ये सवाल कर सकते हैं क्या? ऐसे ही करते हैं बहुत लोग, मिथाइल योजनाल बगर लेके उसको अल्कोहल साथ मिक्स करके हम लोग वुडन पीस में लगाते हैं जी। वही से हम आसान से कर सकते हैं, हम लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब भी आप केमिकल आपका नेम होता है जैसा सेफ्टी प्रिकॉशंस, वो आप यू कैन नॉट डिनाई दैट, आपको तो कुछ फ्यूम हुड वगैरह होना चाहिए, क्योंकि वो स्मेल तो आप यूज नहीं कर सकते। जी डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल सौरभ जी मैं ले रहा हूँ, संजय मेहता जी पूछ रहे हैं कि यूजिनॉल मिथाइल जो है वो कहाँ से अवेलेबल, क्योंकि अवेलेबिलिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है डॉक्टर साहब इसकी, तो अच्छी क्वालिटी का कहाँ से मिल सकता है आपको?
यहाँ भी पीसीआई में कर रहे हैं और ये और एक कंपनी है तो दो तीन कंपनी कर रहे हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बनना चाहते हैं तो हम लोग पसाने से हम लोग भी आपको सिखा देते हैं कैसा बनना है, क्योंकि वो बहुत ही आसानी है। मेथिलोजिनल आपको मार्केट में मिलता है, केमिकल कंपनीज में मिलता है, तो आपको अल्कोहल मिला के करना पड़ेगा, वो तो बहुत आसानी काम है। हम लोग यहाँ विलेज लेवल में भी करने के लिए बोलते हैं, लेकिन आपका जैसा और दूसरे कुछ रसायन है आपका इनहेल करने से कुछ तकलीफ हो सकता है, इसलिए उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज आप कर सकते हैं, मैं आपको ऑर्डर दिलवा देता हूँ। देवेन प्यासी सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो प्लीज सर एक समरी और कंक्लूजन देते हुए सर का धन्यवाद ज्ञापित कीजिए। डॉक्टर एन भक्सलम सर ने आज बहुत शॉर्ट नोटिस में और इस तरह की वेबिनार का लेक्चर दिया है जो बहुत मुश्किल से हमें मिल सकता था सर। धन्यवाद शुभम जी। निश्चित रूप से आज का हमें इस बात की कमी रही मैडम के लेक्चर के बाद में कि जो बहुतायत में सहज और सुलभता से उपलब्ध हो फेरोमोन ट्रैप्स, उनकी जानकारी जो है उस दिन हम लोगों को नहीं हो पाई और ज्यादातर जानकारियां जो उपलब्ध हो सकी वो साइंटिफिक थी। तो इस किसानों के बीच में इस विधा को जानने के लिए जो है बहुत मांग आ रही थी और आदरणीय डायरेक्टर साहब ने इस चीज को समझा और हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। हम आभारी हैं आपके बलराम संदेश किसानों की तरफ से आभार प्रकट करता है आज के आपके एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन और एक्सीलेंट जो है डिलीवरी के लिए, जिसके कारण कि हम किसानों को आपके माध्यम से यह समझाने में सफल हुए कि यदि हम जैविक विधा को अपनाएं और उसका मैनेजमेंट एक्चुअली कीड़ों का हम जो हम कीड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करके, यदि हम उसका प्रबंधन करें तो निश्चित रूप से हमारी फसल कम लागत में ही बहुत अच्छा जो है उत्पादन दे सकने में सक्षम है। जरूरी है उसका प्रबंधन करने की और विभिन्न प्रकार के फेरोमोन ट्रैप बाजार में भी उपलब्ध हैं और उनको जो है विभिन्न अनुसंधान केंद्रों से भी प्राप्त किया जा सकता है और लगभग लगभग सभी की प्रमुख कीड़ों के प्रति के फेरोमोन ट्रैप उपलब्ध हैं, जिनसे हमारे किसान भाई जो है ज्यादा से ज्यादा जो है अपने नुकसान को, एक्चुअली जो मुख्य उद्देश्य था आज की प्रेजेंटेशन का जितना मैं समझ पाया हूं कि हम लागत को कैसे कम करें और हम बाजार पे अपनी निर्भरता को, जब तक हमारा किसान बाजार पे अपनी निर्भरता को कम नहीं करेगा, हमारा किसानों की आय को दुगनी करने का जो परिकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, वो उतनी मूल्य परक नहीं हो पाएगी जितना आसानी से हम जैविक विधा को अपना कर, साथ ही साथ हम कीट व्याधियों को यदि प्रबंधन बेहतर तरीके से करें। जैविक में ही बहुत सारी विधाएं मौजूद हैं, हम क्योंकि हमें स्वयं करना पड़ता है, थोड़ा सा किसानी में हम स्वयं को जो है बाजार आधारित व्यवस्था को ज्यादा बेहतर पाते हैं और इसलिए हो सकता है कि हम ज्यादा बाजार के पर हमारी निर्भरता हो, तो इसको हमको कम करना पड़ेगा और हम प्रबंधन के माध्यम से, हम मैनेजमेंट के माध्यम से, हम इन जैविक उपचारों का प्रयोग करके बायोलॉजिकल कंट्रोल करके जो है कि हानि जो क्षतिग्रस्त लेवल है कीड़ों का उसको यदि हम कम कर दें, तो सामान्य रूप से तो सब जगह सब ये हमारा संसार है, सभी जीव जंतु प्राणियों के बीच में हम भी निवास करते हैं और यही हमारा जो है इकोसिस्टम है, तो हम अगर अपने परिस्थिति की तंत्र को पहचाने और जैसा कि सबके लिए ईश्वर ने व्यवस्था दी है उसके अनुरूप ही अगर हम अपने कार्यों का संपादन करें तो निश्चित रूप से हमारी कम लागत की खेती बेहतर उत्पादन देने के साथ साथ हमें स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी जो है बहुत अच्छा योगदान देगी, साथ ही साथ हमारी निर्भरता यदि बाजार पे कम होगी तो उससे जो है हमारे पैसे भी बचेंगे और शुद्ध लाभ होने ज्यादा होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। मैं हृदय की गहराइयों से टीम बलराम संदेश की ओर से, हमारे किसानों की ओर से, हमारे विश्वविद्यालय के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी,
आज के इस वेबिनार में भाग लिया और उन्होंने आदरणीय डायरेक्टर साहब का जो है प्रेजेंटेशन को सुना समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिशा में सर के सहयोग एवं मार्गदर्शन से हम भी इस दिशा में कुछ जो है नए प्रयोग विश्वविद्यालय स्तर पर करेंगे, जिससे हम कुछ सहज और सुलभ चीजें जो है मैं इस विषय में कल मैं विश्वविद्यालय में रहूंगा और मैं भी स्वयं भी कुछ चर्चा करने की कोशिश करूंगा कि जो सहज हो और सुलभ हो और साथ ही साथ एक हमारे और आईसीआर के एनबीएआईआर के बीच कुछ ऐसा जो है एमओयू या एमटीए ऐसा कुछ साइन हो जाए कि हम आपस में किसानों को सही चीजें उपलब्ध कराने की दिशा में ये बायोलॉजिकल जो वेपन्स हैं इनको बायोलॉजिकल जो हमारे कीट और व्याधियों से प्रबंधन के काम में आने वाले हैं, तो इनका हम अगर लोकल स्तर पे अपने विश्वविद्यालय स्तर पे अपने स्टेट के किसानों के लिए पड़ोसी राज्यों के किसानों के लिए को उपलब्ध कराने की दिशा में यदि हम कुछ कर सकें तो यह हमारे लिए निश्चित रूप से आज का वेबिनार मील का पत्थर साबित होगा और दिशा में सतत रूप से निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए। मैं आदरणीय डायरेक्टर साहब से भी कहूंगा कि हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से और कि हमारे और आपके बीच दो जो संस्थानों के बीच कुछ ऐसे जो है सामंजस्य स्थापित हो जिससे कि हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि यह बहुत मुश्किल काम है कि हमारा किसान सागर में बैठा हुआ किसान या जबलपुर का कोई किसान जो है बेंगलोर से कोई चीज को मंगाए और खासकर सरकारी प्रक्रिया से मंगाना बहुत ही एक मुश्किल काम है। मैं भी उसी प्रक्रिया का अंग हूँ इसलिए मैं उस चीज को बेहतर समझता हूँ कि सिस्टम इतनी आसानी से सपोर्ट नहीं करता है सामान्य किसान को। बेहतर होगा कि हम लोकल स्तर पे अपने केवीके के माध्यम से अपने जो है एनजीओस के माध्यम से साथ ही साथ कोऑपरेटिव के माध्यम से यदि इनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करें। मैं बताना चाहूंगा सर हमारे पास जो है बायो फर्टिलाइजर्स की जो है बहुत बड़ी प्रयोगशाला है जो आरकेवीवाई प्रोजेक्ट के तहत विश्वविद्यालय ने निर्मित की है और 5 करोड़ से ज्यादा का हमारा जो है बायो फर्टिलाइजर हम किसानों को उपलब्ध कराने की दिशा में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में उपलब्धता की मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है पर इस दिशा में मैं अपने विशेषज्ञों को विश्वविद्यालय के प्रबंधन से जो है प्रशासनिक प्रबंधन से मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगा कि हम क्या आपस में सामंजस्य बना के किसानों की बेहतरी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। आज वेबिनार में सर आपने समय दिया और बहुत ही अच्छा, शुरुआत में जैसा आपने कहा कि हिंदी थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, हमें भी डर लगा लेकिन क्योंकि हमारे सभी जागरूक किसान हैं और निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हर तरह की भाषा को समझते हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, इंग्लिश भी बहुत अच्छी समझते हैं, बहुत सारे किसान बहुत हमसे बेहतर हैं इंग्लिश में और हिंदी तो उनकी मातृभाषाएं हैं तो भाषा है तो उनको सभी किसान समझते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में 9 राज्यों के 9 स्टेट का किसानों का प्रतिनिधित्व मिला और सभी राज्यों के किसानों ने इसको जो है अपने अपने माध्यम से अपनी फसलों के अनुरूप जो है उसको सुना और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे वो इसको जो है अंगीकृत करेंगे, एडॉप्ट करेंगे इस टेक्नोलॉजी को और अपनी खेती को एक बेहतर दिशा और नया आयाम देंगे। इन्हीं सभी के साथ, क्योंकि समय भी हो रहा है, मैं आदरणीय आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं डायरेक्टर साहब का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका सहयोग एवं मार्गदर्शन हमेशा हमारे किसानों को हमारे और हम पर जो है बना रहेगा। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय दीपा मैडम का जिन्होंने समय दिया और हमारे और सर के बीच में एक ब्रिज का काम किया जिससे कि हम सर तक अपनी पहुंच बनाने में और सर को आज के प्रेजेंटेशन के लिए राजी करने में सफल हुए। मैं मैडम का भी धन्यवाद करता हूं, साथ ही धन्यवाद करता हूं सभी किसानों का और हमारी टीम बलराम का जिसके सहयोग के बिना कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। सभी का हार्दिक धन्यवाद, शुभरात्रि। आपका बलराम संदेश कृषि ज्ञान का बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है
जैसा आप लोग बहुत साइंस और टेक्नोलॉजी को कृषि लोग के साथ जोड़ देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा मैंने बोला है, ये आज फेरोमोन का बारे में बात किया हूँ, लेकिन और भी बहुत है, पैरासाइट, प्रेडेटर्स, माइक्रोबियल्स, ये सबका भी हम लोग बात कर सकते हैं। हम लोग थैंक यू आपके साथ एक एमओयू कर सकते हैं। ये हम लोग ये इच्छा है, जहाँ ये पैरासाइट प्रेडेटर्स वो ग्राम के लेवल, विलेज का लेवल में जब होगा, तब तो ये बहुत ही अच्छा से बढ़ाएगा, ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।